पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल की बड़ी खबर के साथ। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर चर्चा हो सकती है। तो साथ ही आज मॉनसून सत्र में पेश होने वाले बिल्स को लेकर भी यहां पर मंजूरी मिल सकती है। ये बैठक करीब 2 बजे होगी और काफी अहम जो है इस बैठक को माना जा रहा है। कर्मचारियों के लिहाज से भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उन पर जो है चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे सहयोगी में साथ जुड़ गए हैं। मोहित, तो अहम बैठक होने वाली है आज कैबिनेट की, कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है? मोनिका, देखिए बिल्कुल ये बैठक जो है काफी अहम है क्योंकि विधानसभा सत्र उससे पहले ये बैठक हो रही है और 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें कई बिल्स जो है उस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि इसमें सबसे अहम जो है रिटेंशन ही है। रिटेंशन में फेरबदल करने की पहले ही तैयारी जो है सरकार कर चुकी है और ये जो कैबिनेट है इसमें इस पर जो अमेंडमेंट है उसमें क्या होना चाहिए क्या होना नहीं होना चाहिए इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ ही कई विभागों में जो नौकरियां है उसका पिटारा खुल सकता है, यानी स्वास्थ्य विभाग सबसे प्रमुख रह सकता है इस बैठक में। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में भी जो अध्यापकों के खाली पड़े पद हैं उन्हें भी भरने की कवायद जो है उसे मंजूरी जो है वो इस कैबिनेट में मिल सकती है। इसी तरीके से जिस तरह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो या फिर शहरी विकास विभाग हो, यहां पर भी खाली पद जो है काफी बड़ी तादाद में है, इन्हें भी भरने की मंजूरी जो है उसमें मिल सकती है। इसी तरीके से कई और महकमे हैं जहां पर रिक्त जो है वो खाली पड़े जो पद हैं उन्हें भरने की जो है वो तैयारियां पहले ही कर चुकी है पूरी सरकार और इसमें जो है उसे मंजूरी मिल सकती है। काफी अहम है और इसमें देखना होगा किस तरह से फैसले जो है और सामने आते हैं कैबिनेट खत्म होने के बाद। मोनिका, बिल्कुल मोहित, कब ये बैठक होने वाली है? ये देखिए ये बैठक जो है ये करीब 1 बजे जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में और इसमें जो है तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो हिस्सा लेंगे और सभी ने जो है वो एक एजेंडे अपने अपने पहले ही जो है वो क्योंकि कैबिनेट शुरू होती है उससे पहले एजेंडा जो है वो दे दिए जाते हैं। तो इसमें कई एजेंडा जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं और खाद्य आपूर्ति विभाग जो है उसके भी कई जो है इसमें एजेंडा जो है वो शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से क्योंकि बरसात का मौसम है मोनिका और यहां पर निश्चित रूप से सरकार भी जानती है नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और ऐसे में उसे उसके लिए कुछ अलग से कुछ पैकेज उसकी मांग जो है वो केंद्र को भेजी जाए। अब तक जो है 300 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हो चुका है, इस बाबत भी जो है वो चर्चा कैबिनेट में हो सकती है। तो कई पहलू है, कई एजेंडा है जिसको लेकर के आज कैबिनेट रखी गई है और ये काफी अहम है। बिल्कुल मोहित, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। धर्मशाला में अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की साधना पूरी हो गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने कहा कि विपश्यना ध्यान से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका फोकस पंजाब पर ही रहेगा, उसके बाद हिमाचल की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने धर्मशाला में विपश्यना केंद्र में 10 दिन बिताए जिसके बाद केजरीवाल तरोताजा महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि ध्यान लगाने से उन्हें नई ऊर्जा मिली है। वहीं केंद्र और उपराज्यपाल जंग के साथ अधिकारों की खींचतान पर हाईकोर्ट के फैसले पर भी केजरीवाल से सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे। हर आदमी की जिंदगी में उथल पुथल होती है, आम आदमी की जिंदगी में उस उथल पुथल को डील करने की क्षमता आती है, स्ट्रेंथ मिलती है। वन मोर थिंग, हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि जो आपकी सरकार है उसके बॉस है एलजी, तो आपका क्या विचार है? वही, मेरे को एक बार जाके देखना पड़ेगा, ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। हिमाचल को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, इस पर केजरीवाल ने बताया कि पहले पंजाब का नंबर है, उसके बाद हिमाचल के बारे में सोचा जाएगा। हिमाचल में बहुत नेज है लोगों में, मैं बहुत अपनी पार्टी के वो जाना चाहते हैं। आपका क्या, हिमाचल पंजाब के बाद है ना, तो पंजाब के बाद बता। इससे पहले आम आदमी पार्टी हिमाचल के ऊना में रैली कर चुकी है, लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव पहले हैं, इसलिए केजरीवाल पूरी ताकत पंजाब में लगाना चाहते हैं। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला।